छोटी सी उम्र के अंदर आपने अपना टारगेट बना लिया था कि मैंने वर्ल्ड वाइड फेम हासिल करना, मैंने मैंने कुछ ऐसा करना है कि दुनिया में मेरा नाम हो दुनिया जाए। मुझे जाने। माशाल्लाह से जब आपने ये किया तो उस वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल 9 महीने 11 दिन 6 घंटे 10 मिनट और 2 सेकंड थी। 3 सेकंड? दो सेकंड नहीं, मैं काउंट दो कर रहा था, सेकंड 3 सेकंड। आप मुझे देख ही नहीं रहे थे। अच्छा, ओके। अरफा करीम दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी, बिल गेट्स से मिलने गई। वहां के मीडिया और थिंक टैंक्स ने उसे कहा पाकिस्तान का दूसरा रुख, अनदर साइड ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मैं कहता हूं यही है पाकिस्तान, अरफा है पाकिस्तान। अरफा करीम एक जिंदगी का नाम है, शरारत का नाम है, कहकों का नाम है, मस्ती का नाम है, जिसको आप कहते हैं ना फुल ऑफ लाइफ। कहने के तो हमसे चली गई, लेकिन वो जिंदा है। उसका नाम, वो अपना काम, अपनी लेगेसी, वो इतना कुछ पीछे छोड़ के गई है। अरफा की पहचान बनी जब उसने 9 साल की उम्र में यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तिहान पास किया। बिल गेट्स को पता चला, उसने कहा कि जी हाँ, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। उसने सोचा कि मैं मिस्टर बिल गेट्स को खुद पोएम दूंगी अपने हाथ से लिख के। वो उसने एक आम से सादा से कागज पे बड़ी खूबसूरत सी पोएम लिखी और जाके जब उनको दी तो मिस्टर बिल गेट्स बहुत खुश हुए, क्योंकि ये पर्सनल टच था, उसकी एफर्ट थी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और उसी वक्त उसके जवाब में उन्होंने भी एक सिंपल से पेज के ऊपर बड़ा खूबसूरत ऑटोग्राफ उन्होंने दिया और अपनी पिक्चर साथ दी। तो वहां पे उसने जो मुल्क का मुकदमा जो दिफा किया वो इतना खूबसूरती से किया कि बड़े लोग भी शायद नहीं कर सके। जब वो बिल गेट्स से मिल रही थी वो 10 मिनट की मुलाकात, उसने उससे पूछा कि औरत जो पर्दा या स्काफ लेती हैं या यहाँ पे औरतों को बराबरी के मौके नहीं मिलते, तो उसका उसने बजाय जवाब देने के उसने उल्टा उससे एक सवाल किया। तो उसने कहा कि मैं पिछले 3 दिन से मैंने ये ऑब्जर्व किया है, देखा है माइक्रोसॉफ्ट में क्यों इतनी कम खवातीन है। बिल गेट्स को एक झटका सा लगा और उसको वो जवाब, उसने कहा हाँ हाँ ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि हम औरतें जो हैं वो ढूंढें जो कि टेक्नोलॉजी में काम कर सकें या उनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में हो। तो ये हंस पड़ी, इसने कहा आप मेरे मुल्क आए, मेरे गांव आए, मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी औरतें जो हैं वो खेतों में काम करती हैं और कितनी औरतें जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए। दूसरे लोग जो उनके साथ थे उन्होंने कहा जी अरफा से ज्यादा बिल गेट्स जो हैं वो अरफा से मुतासिर नजर आ रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो दुनिया को उसके बारे में नहीं पता। उसको इस लेवल की मौसीकी आती थी, बाय बर्थ आती थी। जब कॉम्पिटिशन में वो जीतती थी तो जो जज हजरात होते थे वो कहते थे कि ये इसको कौन सिखाता है। जब उन्हें बताया जाता था कि इसे कोई नहीं सिखाता तो वो इसको यकीन नहीं करते थे। कैसी अनोखी बात रे। दूसरी ये थी कि उसकी क्रिएटिविटी, वो सोचती थी, तखैल में वो चीज सोचती थी और उसका हल तलाश करती थी। इस वजह से वो इकबाल को बहुत पसंद करती थी। उसने एक नज़म लिखी थी जब उसकी उम्र 10.5 साल थी। उस नज़म के अंदर जो मौजू और उसकी मकसदियत और उसकी जो सोच की उड़ान है उससे अंदाजा होता है कि इतनी छोटी उम्र में वो कितना दूर का सोचती थी। दूर कहीं तन्हा एक परिंदा था अंगुश्त बदंदा, सोचता था कि ये लोग क्यों हैं इतने नादान, जानते हुए भी कि जाना है उसके पास क्यों नहीं आते ये बुरे कामों से बाज। मालूम है उनको ये दुनिया है फानी, खत्म होने वाली एक छोटी कहानी, कोई ना जाने कब आखिरत आ जाए, फिर हजरत इंसान कुछ भी ना कर पाए। तो जो उसका अरफाना रंग उसकी तबीयत में था वो उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके डे टू डे चीजों में भी वाजे था, क्योंकि कपड़े अच्छे पहनने ना पहनने, स्त्री हुए हैं नहीं हुए हैं, उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था। वो टॉम बॉय थी, वो हील टाइप की बच्ची नहीं थी जो बच्चियां नाजुक नाजुक हील पहन के चलती हैं, वो जॉगर वाला मटेरियल था। गोलगप्पे उसकी फेवरेट डिश होती थी, रिश्वत के तौर पे गाने सुनाती थी, कहती थी आप पे करेंगी तो फिर मैं आपको सुनाऊंगी। जब मेरा कोई काम होता था या असाइनमेंट होती थी तो इंटरनेट उसके अथॉरिटी में होता था और मैं उससे प्लीड करता था कि मुझे वो इंटरनेट यूज़ करने दे, और मुझसे फनी फनी डांसेस करवाती थी और मुझे कहती थी कि मेरे लिए ये लगाओ, मेरे लिए खाना बनाओ, मेरे लिए सैंडविचेस बनाओ। ड्राइंग के जरिए डिफरेंट कार्टून्स के फेसेस बना के, हैप्पी फेस, सैड फेस,
उस तरीके से वो अपनी शरारतों का इजहार करती थी। फिर वो उसका जो एक ह्यूमन एलिमेंट था उसके अंदर कि इतनी छोटी उम्र में उसको फेम मिली पूरी दुनिया में एज अ साइबर प्रिंसेस ऑफ पाकिस्तान, प्रिंसेस ऑफ बिल गेट्स, फेवरेट किड ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन बावजूद इन सारी चीजों के उसमें कोई एयर्स नहीं थे कि मैं कोई बहुत ब्रिलियंट, बहुत मैंने कोई एजाज हासिल करके मैं यहाँ तक पहुंची। एक नॉर्मल हंसती खेलती बच्ची थी। वो इतनी डाउन टू अर्थ थी कि जब वो गांव में जाती थी तो मेरे दूसरे बच्चे बेटे एट टाइम्स कहते थे कि हमें पानी नहीं पिया जाता, स्मेल आती है, दे वर नॉट यूज्ड टू उस एनवायरनमेंट। लेकिन ये वहां जाके इसकी तस्वीरें भी अगर आप देखें, इसकी बॉडी लैंग्वेज आप वहां पे देखें, ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हुए अपनी सहेलियों के साथ, उसको कभी ये नहीं हुआ था कि मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर आई एम नॉट इजी एट। म्यूजिक के बगैर कभी मैंने उसको पढ़ते नहीं देखा। एक दिन मैं उसके कमरे में आई, मैंने देखा कि वो मैथ्स की बुक खुली हुई है, साथ साथ लिख रही है, लैपटॉप पड़ा हुआ है, उसके ऊपर चैटिंग चल रही है, एक वेबसाइट खुली हुई है, साथ उस पर काम हो रहा है। वो मेरे साथ अक्सर बैठी होती थी और वो कॉन्टिन्यूसली कुछ स्क्रिबलिंग या कुछ ना कुछ कर रही होती थी। और मैं जब उसके नोटबुक से देखती थी, उसके भरे होते थे नोट्स ड्राइंग से, कभी टीचर की शक्लें बना रही है, कभी कुछ कर रही है। और मैं उसे कहती थी, मैं कहती अरफा यार कॉन्सेंट्रेट तो करो, लेक्चर चल रहा है। कहती नहीं नहीं यार, मुझे समझ आ रही है, टीचर बोले मैं सुन रही हूँ साथ साथ। मैं बल्कि उसको एक दो दफ़ा मैंने कहा कि बेटा पढ़ाई भी कर लें, आपके ओ लेवल्स के फाइनल सर पे हैं। बस कर रही हूँ, कर रही हूँ। बैठी होगी, उसने कहीं से सीखी होगी, उसके शॉर्टकट्स पता होंगे, तो मैं बता रही हूँ यार एक बहुत आला तरीका है, तुम लोग ऐसे ऐसे करो ना, तो यू नो दैट्स हाउ यू गोना डू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक दफा मैंने उसे पूछा, दे आर योर कॉम्पिटिटर्स? तो उसने कहा जी रिस्पेक्टेड। शी हैड दैट फेथ इन हर कि मैं बताने से यू नो मैं पीछे नहीं रह जाऊंगी। वो मुझे हमेशा यही कहती थी कि जो मर्जी हो जाए, पढ़ाई को कभी अपने आप पे बोझ नहीं समझना, पढ़ाई को मजे से करना है, what she used to call fun learning। ना पढ़ने के बावजूद O levels में उसने 3 A stars और 6 A's लिए। She was truly a genius. She was a prodigy। वो कहती थी मामा एक सिर्फ इंसान की एक personality होनी चाहिए, उसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ grades ले रहे हैं और उसके अलावा दुनिया का आपको पता ही नहीं है, this is wrong। वो चली गई, हमारे दरमियान नहीं है। उसके लिए इतना प्यार दुनिया से, इतने रेफरेंसेस हुए, इतनी चीज़ों के नाम रखे गए। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, हीरोज़ के नाम जिंदा रखने का एक तरीका है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका वो विज़न या वो काम जो वो करना चाहती थी उसको ज़िंदा रखा जाए। छोटी सी उम्र में जो बड़े बड़े ख्वाब उसने देखे हैं, वो उसमें क्या मैसेज छोड़ गई है कि पाकिस्तान के लिए करना है कुछ। वो कहती थी मैं एक फ्लैश ड्राइव की तरह काम करूंगी, पहले अपनी इंडिविजुअल हाइट्स गेन करूंगी, MIT जाऊंगी, हार्वर्ड जाऊंगी, पूरी दुनिया से एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ूंगी, हाउ टू गिव एजुकेशन टू दी किड्स, और फिर सारा कुछ करके तो फ्लैश ड्राइव वापस आके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर बनाना है, उसमें IT सेंटर्स बनाने हैं, उसमें डिजिकॉन वैली बनानी है, IT को टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हुए हम वो जो बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है वो इस देहात के बच्चे तक हम पहुंचाएंगे। अब मेरे लिए जब तक मैं जिंदा हूं तो जो बातें उसने लिखी हैं या जो बातें उसने कही हैं उनको पूरा करना मेरी जिंदगी है। अरफा करीम फाउंडेशन मैंने और उसकी माँ ने बना दी है, और उसके तमाम वो ख्यालात और वो ख्वाब जो थे जो वो देखती थी वो हम उसके अरफा करीम फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे और उसका जो फैन बैंक है, जो दुनिया में उसका प्यार है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे उसके मिशन में। हम सबका ये फर्ज बनता है कि जिस तरीके से अरफा जीना चाहती थी हम उस चीज को लेके चलें, उसके ख्वाबों को अमली जामा पहनाएं, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करें, ताकि हमें यही लगे कि अरफा हमारे साथ जी रही है। मुझे ईमान की हद तक यकीन है कि उसकी जिंदगी भी एक नेमत और उसका चले जाना भी एक नेमत, उसके आने ने एक पैगाम दिया, उसके जाने ने भी एक पैगाम दिया, वो इस दुनिया में रहते हुए भी एक नाम पैदा कर गई, वो जाके उससे ज्यादा मुकाम पैदा कर गई, तो इसलिए लड़ती रही वो मौत से कुछ देर के लिए, आखिर में वो मौत को नाकाम कर गई।